सिरोही में जहां सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा लेकिन सत्य है, सिरोही में कल नगर परिषद सभापति ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को शांति नगर की टूटी सड़क को लेकर कई बार अवगत कराया था, लेकिन वहीं विभाग की अनियमितता कहो या कोई और, सिरोही शहर में अभी हल्की बारिश शुरू हुई कि शहर के शांति नगर मांडवा हनुमान जी मंदिर की सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए, जिससे कि कई एक्सीडेंट हो रहे। वहीं आपको बता दें कि दो दिन पहले एक महिला टूटी सड़क के कारण वो भी नीचे गिर गई थी, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गई, उसको गहरी चोट नहीं आई। इस विषय को सिरोही सभापति ने गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन उसके बाद भी विभाग की हट धर्मीता मानो या अधिकारियों की लापरवाही या उनका रवैया, उनकी अभी तक नींद नहीं उड़ रही। सिरोही की सड़कों की बात करें तो हल्की सी बारिश से सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे हो जाते, जिससे कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। राजस्थान सिरोही से हितेश कुमार जोशी की खबर। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आपके द्वारा ये समस्या प्रशासन को बताई और मैंने अनिल जी ऐसी से बात की थी तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि हमने NH को पाली को हैंडओवर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस मैंने उनसे यही विनती की कि आप अस्थायी तौर पर कुछ ना कुछ कीजिए, अन्यथा पहले भी हादसे होते रहे और होते रहेंगे। तो दुर्घटना न होना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी वजह से दुर्घटना होना और चिताने के बाद कुछ काम न करना इनकी लापरवाही है। और दोनों तरफ गड्ढे होने के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल स्लो था, इसको गड्ढे को बचाने के हिसाब से अनबैलेंस होकर गाड़ी पलट गया। आपका नाम? रामधन।